हेलो एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग एंड वेल। हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी, हैंडल बार आपने चेंज कहाँ से किए। सो यस, हैंडल बार चेंज जहाँ से किया वो उसका नंबर तो डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसका एक एडवांटेज बता देता हूँ। मैं जब से हैंडल बार चेंज किया हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रही है गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि एक अपराइट पोजिशन हो जाता है गाड़ी चलाते वक्त। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप हैंडल बार अगर चेंज भी कर दो, जैसे अगर सिमिलर एज इन फ्यूचर अगर आपने ले भी लिया है, तो मेक श्योर एक रॉयल एनफील्ड 350 का बार एंड वेट भी खरीदना पड़ेगा। सो यस, जो रॉयल जो बेनेली इंपीरियल 400 का जो नॉर्मल स्टॉक जो है वो इसमें नहीं लगेगा, जो रॉयल एनफील्ड 350 का जो बार एंड होता है वो बार एंड आपको एडिशनली खरीदना पड़ेगा। जो बार एंड इसके साथ नहीं आता आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। एंड दूसरी बात, इसका जो हाइट है अराउंड 3-4 इंच ऊपर उड़ चुकी हुई है। सो वेल, उसे चलाने में भी इजी होता है, सैडलिंग करने में मज़ा आती है। अब आपको बताऊंगा कि लगाया क्या जाता है। सबसे पहला आपको जो बार एंड है उसको निकालना है, उसके बाद ग्रिप को बाहर निकालना है। सेकेंडली, जब आप ये निकालोगे, ध्यान से निकालो, थोड़ा स्लोली निकालो, और यहाँ पर एक स्क्रू है नीचे की तरफ, वो स्क्रू से आपको इसे डिसमाउंट करना पड़ेगा। फिर एनएल की जो है 1-2 ये यूज़ करके आपके टूल किट में सब चीज़ अवेलेबल है, आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टूल किट लेके इसे खोलना पड़ेगा। एंड देन वापस से एलन की यहाँ पर भी है 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों को खोलना है। एंड देन वही सेम इसके बाद ये करना है, बार एंड को खोलना है। एंड देन ये बटन्स को खोलना है, इसके नीचे स्क्रू है वो खोलना है, और एलन के लेके ये खोलना है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 चीज़ खोलने के बाद यहाँ पर हाथ लगाना 1, 2, 3, 4। जैसे ये सब चीज़ खोल गए आपके हैंडल बाहर आ जाएगी। मेक श्योर ये सब चीज़ लटके रहने देना। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब ये लटके रहेंगे तो मेक श्योर यहाँ वहाँ टाकी को टच ना हो, क्योंकि डेंट आ सकता है अगर ये मेटल की चीज़ को बार बार टच होगी तो। सो मेक श्योर ये यहाँ पर क्लॉथ रख देना, क्लॉथ के ऊपर ये सब रखना। चलो अभी पॉइंट आते हैं, बात करने क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखो, आपने जो एक क्लच वायर देखा होगा ये रिंग के बाहर है, ये जो क्लच वायर है ये रिंग के बाहर, क्योंकि थोड़ा क्लच वायर थोड़ा शॉर्ट है। दूसरी चीज़, एक्सीलेटर वायर जो थ्रॉटल केबल है वो भी आप ध्यान से देखो, यहाँ पर है थ्रॉटल केबल, ये रिंग के बाहर है, ध्यान से देखो, ये रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के अंदर होना चाहिए लेकिन रिंग के बाहर है। तो ये मूवमेंट्स के लिए भी आपको फ्री करना पड़ेगा, ऐसे तो शैबी लग नहीं रहा है, खाली बाहर है बस और कुछ नहीं। ये था एक क्विक अपडेट हैंडल बार चेंज करने के बाद। स्टॉक हैंडल बार थोड़ा लो होता है और ये जो हैंडल बार थोड़ा ऊपर होता है। और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं, जब ये हैंडल बार लगाओगे तो मेक श्योर थोड़ी सी आप 5-6 किलोमीटर राइड करना, क्योंकि आपका जो हाथ बैठा होगा स्टॉक हैंडल बार पे बैठा होता है, लेकिन आप नया कुछ लाओगे, नया हैंडल बार लगाओगे तो थोड़ा सा एक 5-6 किलोमीटर का राइड करो, टर्निंग्स देखो कैसा है एंड ऑल। अगर आपको लग रहा है कि किधर कुछ वायर अटकती है तो यस, ये आपका थ्रॉटल केबल है, उसको थोड़ा रिंग से बाहर निकाल देना, इस रिंग से थ्रॉटल केबल को बाहर निकाल देना, तो आपके एक्सेलरेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो क्लच वायर है उसे भी थोड़ा बाहर निकाल देना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसका बार एंड वेट्स खरीदना पड़ेगा। तो जैसे आपने डिसेंबल किए थे, जैसे कि एक एक करके निकाले थे, जैसे बार एंड लगाओगे, जो बार लगाओगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से आप ना इसको एग्जैक्टली सेंटराइज कर सकते हो। आप अपने आप हाथ से भी कर सकते हो, आप मैकेनिक के थ्रू भी कर सकते हो, एकदम ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड हेडेक नहीं है इसके अंदर। अगर आपको ये वायरिंग थोड़ी बाहर निकल रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से केबल बाहर है, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे वहाँ से है क्या यहाँ से, एक ही बात है। अगर फिर भी ये नहीं पता है, नहीं हो रहा आपको, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ना एक्सटेंडेंट खरीदो, जो हैंडल बार राइजर होता है वो खरीद लो। अभी मेरे में फ़िलहाल लगे नहीं है, लेकिन मैं अंडर प्रोसेस है। अगर आपको ये नहीं खरीदना है और दूसरा कुछ लाना है, जैसे कि हैंडल बार राइजर, वो भी आ रहा है कुछ ही दिनों में, तो आप स्टॉक हैंडल बार भी लगा सकते हो उसके ऊपर, ये लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्या होता है कि एक ट्रायंगुलर शेप बनता है यहाँ पर, और इससे ना हैंडल बार थोड़ा स्टेडी भी रहता है, तो आपको एडिशनली बार एंड बोलते हैं हैंडल बार राइजर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी।
सो यस, बाहर हैंडल बार राइजर आपको यहाँ पर अमेजोन में मिल जाएगी। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ये सब है हैंडल बार राइजर रॉयल इनफील्ड के। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 300-400 रुपीज़, 500 रुपीज़। जैसा आपको पसंद है वैसा आप खरीद सकते हो। ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा। करेंटली मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर दिखाने के लिए, लेकिन ये जो चीज़ है वही चीज़ होती है। मैंने ब्लैक है तो ब्लैक ही लगा दिया। और क्या चीज़। यस, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सीट चेंजिंग के लिए। टिल देन, राइड सेफ, स्टे सेफ।